हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये एक पैनल। आपको पैनल में प्रॉब्लम शायद दिख गया होगा या नहीं दिखा होगा, तो मैं दिखा दूं। दिख रहा है ना कि ये हमारा जो है मिरर प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा हॉरिजेंटली प्रॉब्लम है। मतलब लिखावट उल्टा, पिक्चर उल्टी नहीं, लिखावट उल्टा। आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक एलजी का, और इसके साथ साथ थोड़ा सा कलर में भी हमको लग रहा है कि डिफेक्टिव है। जैसे इस तरह का इसका एलजी का लोगो नहीं आना चाहिए। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि मिरर का प्रॉब्लम है। हालांकि ये सर्विस रिमोट से हमने बहुत कोशिश किया कि इसमें देख ले कि मिरर ऑप्शन में कुछ है कि नहीं। जैसे आपको भी मालूम होगा कि ये सर्विस मोड जो कि इसमें मिरर में सिर्फ ऑन ऑफ, यानी इसमें क्या है मिरर में ऑप्शन ऑन ऑफ, लेकिन हॉरिजेंटल वर्टिकल की ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आखिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग कोलकाता, बांग्लादेश और मुंबई तीनों जगह स्टार्ट होने जा रहा है। मुंबई में भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तुरंत होगी, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है महाराष्ट्र में इलेक्शन इसी महीने 20 तारीख को समाप्त हो रही है। इलेक्शन समाप्त होने से आपकी मुंबई में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोलकाता में भी ट्रेनिंग इलेक्शन के बाद ही स्टार्ट होगी। आप लोग बहुत उतावले हो कि सर डेट क्या है, डेट क्या है। कोलकाता का डेट मैं एक लमसम, एक अनुमानिक डेट में दे रहा हूँ, 12, 13, 14, 15 जून। 12, 13, 14, 15 जून ये 4 दिन की ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल पैनल और सॉफ्टवेयर की होगी। बांग्लादेश से ट्रेनिंगटा यही मासे लास्ट दिके होबे। अपनी बांग्लादेश से तारातारी सीट बुक दी। मुंबई में भी ट्रेनिंग इस महीना के ही अंत तक या स्टार्टिंग में होगा, लेकिन कोलकाता का ट्रेनिंग 12, 13, 14, 15 को एक अनुमानिक समय दिया जा रहा है, डेट दिया जा रहा है। हम लोग इसको अब देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर कहां से है, क्यों है। बहुत लोग बोलते हैं पैनल का काम सीखना है, सॉफ्टवेयर का काम सीखना है। आपको जो चीज़ का काम सीखना है, हमारा वीडियो की स्क्रीन पर एक बैनर दिखाई देता होगा आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। पहले बैनर को आप पढ़ ले। अभी हमारा सिर्फ कोलकाता, ओनली फॉर कोलकाता में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और कहीं डिस्काउंट नहीं है। ना मुंबई में डिस्काउंट है, ना आने वाली पटना में भी ट्रेनिंग होगी उसमें भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, बांग्लादेश में भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओनली फॉर कोलकाता में डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट आपको 50% दी जा रही है, यानी जो फी हमारी थी उसकी फी आधी। तो आप लेट ना करें, आप पहले अपना सीट बुक करा लें। सीट बुक करा लेने के बाद आप आने जाने के लिए व्यवस्था कर ले, यानी टिकट रिजर्वेशन कर ले। आप पहले ये जो हमारा सोर्स पीसीबी है, जो स्केलर पीसीबी है, जो टिकॉन पीसीबी है, तीनों का नाम एक ही बोला जाता है, आप पहले इसमें देख ले कि कहीं से कुछ वर्क हुआ है कि नहीं, यानी इसमें कुछ काम किया है कि नहीं। नहीं हुआ है, क्यों? ये जिनका टीवी है ये बोल रहे हैं कि ये अपने आप चलते चलते कुछ लाइटिंग वाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो भी हो एक अनुमान लगा रहे हैं। लाइटिंग का मतलब हुआ वज्रपात, जिसको बिजली चमकना बोलते हैं, उस समय शायद ये प्रॉब्लम हो गया। हमने इसमें एक यूनिवर्सल बोर्ड भी, एक फॉर्मेलिटी के लिए, आप भी हो सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए एक यूनिवर्सल बोर्ड डाल लेंगे, देखेंगे पहला तरीका स्टेप बाई स्टेप कि हमारा बोर्ड का प्रॉब्लम है कि पैनल की प्रॉब्लम। इस तरह से आपको सिखाया जाता है। बहुत लोग हैं कि
ट्रेनिंग में आते हैं, बोलते हैं सर हमने 5 ट्रेनिंग किया 4 ट्रेनिंग किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, यहाँ तक कि 3-3 महीने ट्रेनिंग करके आते हैं, बोलते हैं कि हमको क्लियर नहीं हुआ। आपको अगर क्लियर कहीं आपको प्रोग्रामर में, जेटेक में, ईएमएमसी में, रिबॉलिंग में, फॉर्मवेयर में, सॉफ्टवेयर में, एम बूट में, बूट फाइल में, यूजर फाइल में, ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमारा ट्रेनिंग ग्रहण कर सकते हैं। पैनल में आपको समझने में दिक्कत आ रहा है कि इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बना है, क्या काम करता है, कौन सेक्शन क्या काम करता है, कैसे बूस्टअप होता है, कैसे जेनरेट होता है, सीके भी लाइन क्या कहते हैं, दोनों तरफ शॉर्ट हो जाए तो क्या किया जा सकता है, सीके भी कैसे पहचानेंगे, साइड कप कैसे पहचानेंगे, सिग्नल कैसे जेनरेट होता है, ये सब ट्रेनिंग के लिए पैनल और सॉफ्टवेयर के लिए आप आ सकते हैं। सिर्फ पैनल और सॉफ्टवेयर, यानी स्मार्ट बोर्ड और पैनल, तो आप पहले देख लें। ये आपको बोलना इसलिए फर्ज है कि दोस्तों आप लोग आते हैं बहुत दूर से, अगर आपको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाए तो आपको ख़राब महसूस होगा, आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत जगह जाते हैं, 15 दिन का ट्रेनिंग करते हैं, 20 दिन का ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनके पास प्रोग्रामर नहीं रहता है, प्रोग्रामर से दिखा नहीं पाते हैं, पैसा लेते हैं और बाय बाय करते हैं, टाइम पास करते हैं। समय बहुत लोग बोलते हैं कि 4 दिन में क्या होगा, ठीक है, हम अगर वही बोल दें कि आपको 15 दिन का ट्रेनिंग है और बोलेंगे कि चलो डेली 2-3 घंटा मैं आपको बता देंगे, 2-3 घंटा आपसे घर का सवाल पूछेंगे, मजाक करेंगे, आपसे जोक करेंगे, कविता पढ़ेंगे, राजनीतिक पे जाएंगे, तो समय देखा गया ख़त्म हो गया 15-20 दिन। और यहाँ पर 4 दिन का मतलब कोई टाइम पास नहीं, कोई टाइम पास नहीं, क्यों, क्योंकि आपका घर में परिवार है, दुकान है, आपका बिजनेस है, आप इतना दिन बाहर में कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, दुकान आपका कैसे चलेगा, इतना मत सोचिए कि ये 15 दिन का दिखा रहा है, 10 दिन का दिखा रहा है, 7 दिन का दिखा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर टाइम पास नहीं, ज़्यादा मेंबर भी नहीं। आप जहाँ पर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं आप पहले पूछ ले आप क्या सिखाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आपको मिलेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस खोल कर यहाँ कर दो, यहाँ का रेजिस्टेंस खोल कर यहाँ कर दो, हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे ये कर दो, ये रेजिस्टेंस, ये सब बकवास चीज़ है, ये सब एक अलग अलग ट्रिक है, लेकिन फाइनल इसका सलूशन क्या है, हमको इस मेमोरी को खोल कर क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। इस मेमोरी आईसी को हमको कॉपी करना पड़ेगा। बिना कॉपी किए हुए कुछ भी आप कर दें ये सेट रेडी नहीं होगा, आप भ्रम में ना रहें। इसीलिए आपको सीखना क्या है, प्रोग्रामर और पैनल, प्रोग्रामिंग करना, RT809H को चलाना, जेटेक करना, रिवोलिंग करना, बैकअप लेना, फर्मवेयर देना, सॉफ्टवेयर देना, डंप फाइल देना, समझना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, स्मार्ट बोर्ड 4K बोर्ड में ये प्रॉब्लम किधर से है, कितना परसेंटेज है। हम लोग समय के जाया ना करें, हम लोग तुरंत इस आईसी को खोल कर एक प्रोग्रामिंग कर ले, या इस आईसी को खोल कर सेम टू सेम स्केलर पीसीबी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम फिर मैं दोबारा एक बार आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उल्टा नहीं है, ये मिरर ऑप्शन नहीं है, ये लिखावट उल्टा है, हॉरिजेंटली जो लो हम लोग सीआरटी की नॉलेज रखते हैं ना, तो हम लोग को याद है ना हॉरिजेंटल तार, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल अगर हम लोगों का वायर इधर उधर होता था तो पिक्चर उल्टा होता था, और हॉरिजेंटल वायर अगर इधर उधर होता था तो लिखावट उल्टा आता था। तो ये सिर्फ क्या आ रहा है, लिखावट हमारा उल्टी आ रही है, जो है लिखावट ये हमारी उल्टी है, पिक्चर उल्टी नहीं है। मैं बार बार आपको इसलिए समझाता हूँ और रिपीट करता हूँ कि ताकि आप लोग भ्रम में ना रहें। जो
सीनियर है जो ज़्यादा जानते हैं वो लोग एक बात को पहचान लेते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन जो नए होते हैं उनको थोड़ा दो तीन बार रिपीट करने से वो उनके दिमाग में इन हो जाता है। तो हम क्या करें, हम जस्ट पहले इस आईसी को ओपन करें। तो दोस्तों हमने इस आईसी को निकाल दिया हूँ और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कुछ ये नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आईसी को भी निकाल देने से पिक्चर सोझा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कलर आ जाएगा। तो आप इस भ्रम में ना रहें, मैं कृपया करके आप बोल रहा हूँ कि भ्रम को दूर करें। YouTube पर जो वीडियो बनता है अच्छा भी बनता है और फेक भी बनता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि फेक कौन है अच्छा क्यों है। YouTube पर जो ट्रेनिंग देते हैं फेक भी होता है अच्छा भी होता है। YouTube पर बोलते हैं कुछ और करते कुछ और है, कुछ अच्छा है कुछ खराब भी है, मतलब अच्छा और बुरा दोनों है। आपको सेलेक्ट करना है, आपको पहचानना है। हमारा कहना सिर्फ इतना है, इशारा हम कर देते हैं क्योंकि मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, नाम लेना गलत बात, फिर भी हम लोग देख लें फिर से, शायद मेमोरी निकाल दिए हैं सीधा हो गया, नहीं देख लीजिए वही चीज़ है। सोचते होंगे कि ये 2-3 मिनट का वीडियो आप इतना लंबा क्यों हुआ, मेरे को समझाने में जब तक मैं नहीं अच्छा से समझा पाऊँगा तब तक मैं वीडियो लोड नहीं करता। तो हम अब चले जाएं अपने मेमोरी को प्रोग्रामिंग कर ले प्रोग्रामर से। ये 2 प्रोग्रामर आपके पास है तो कर सकते हैं आप, एक RT809F या RT809H। बहुत लोग बोलते हैं कि हम मोबाइल से कर लेते हैं, छोटा 250 रुपये में प्रोग्रामर मिलता है उससे कर लेते हैं। बहुत सा बोलते हैं कि कृष्णा का कॉपियर से भी कर लेते हैं टार। तो आप कुछ भी कर लें, जैसे हो सके आप कर लें, लेकिन आप जेटेक जो हैं वो सिर्फ एच से ही होगा, एच के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर आप एच खरीदते हैं तो आप समझ लें ऑल इन वन, जो जितना प्रोग्रामिंग है आप टीवी के लिए, दूसरे चीज़ के लिए नहीं, मोबाइल के लिए नहीं, टीवी के लिए, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए नहीं। हम लोगों को LCD, LED, CRT टीवी के लिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर, IPS, इन्वर्टर, ये सब के लिए आप RT809 से काम चला सकते हैं और चलता है। हम प्रोग्रामिंग करके फिर हम IC लगाकर हम लोग देखेंगे, या हो सकता है कि सिस्टम से भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरा इतना दिन का तजुर्बा बोल रहा है कि ये IC से ही प्रॉब्लम है। इस मॉडल में इस तरह का प्रॉब्लम हमको एक बार और मिला था। तो दोस्तों इसमें 1 KB का फाइल, सिर्फ 1 KB का फाइल इसमें डाल दिया गया है। आप सोचे होंगे कि सर इसका ये आप ट्रेडिंग में आओगे तो ये प्रोग्रामिंग का वीडियो 10 मिनट का नहीं होता है। एक्चुअली ये वीडियो, ये क्लास प्रोग्रामिंग के विषय में 2 दिन चलता है हमारा, 2-2.5 दिन चलता है, उसके बाद पैनल 2 दिन, ऐसे करते ये 4 दिन का क्लास होता है। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, देर शाम तक चलती है, कभी 6 बजता है, कभी 7 बजता है, कभी 5:30 बजता है, कभी 6:30 बजता है, मतलब जब तक ये विषय शेष ना हो। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा पैनल और सॉफ्टवेयर स्मार्ट टीवी का शेष ना हो तब तक ये चलता रहता है। तो हम लोग तुरंत समय जाया ना करें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ये आपको समझाने में, आपको ठगने से बचाने में, बहुत लोग ठगे गए हैं, बहुत लोग उनको ठगा गया है, बुलाया गया है, जिस नाम पे बुलाया गया है वो नहीं दिया गया है। मैं सुनता हूँ, मैं ट्रेनिंग बहुत लोगों को किया हूँ, तो मैं वीडियो भी प्रूफ के तौर पे अपलोड करता हूँ, कोई स्टूडेंट का नंबर भी दे देता हूँ कि आप पूछ सकते हैं कि वो स्टूडेंट से, शायद हमारे डर से वो बोल दिया हो उस समय, लेकिन ऐसा नहीं,
जो बैनर में दिखाई दिया है हम वही सिखाएंगे, ठीक। आप पहले जचाई कर ले, जांच कर ले, उसके बाद आप सीट बुक दें, तो हम लोग इसको तुरंत सोल्डर कर। तो दोस्तों ये आईसी को रीड एंड राइट करके, मतलब राइट करके, रीड मतलब होता है लेना, राइट मतलब होता है देना, इस आईसी में हमने फाइल दिया कितना का, तो सिर्फ ओनली 1 KB का फाइल, ठीक। और इसके सिवा आप देख सकते हैं एक बार कि और कुछ किया गया है कि नहीं, आप सही से देख लें। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। ज़्यादा सबूत लेने के लिए तब आपको ट्रेनिंग में हमारे पास आना है। बहुत लोगों का डाउट क्लियर किया हूँ, बहुत लोगों का, ठीक ना, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारा प्रोजेक्टर पर नहीं होता है, माइक से नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग देखें, देखिए दोस्तों ये हमारा सेट 100% जो है ओके हो चुका है। और एक बार मैं मेनू से देखूं कि जो हमारा, देखिए दोस्तों कलर का भी प्रॉब्लम था, ये देखिए इसका ओरिजिनल कलर, ठीक, आप मिला सकते हैं ओरिजिनल कलर, इसलिए ये शक हुआ कि ये सर्विस मोड से प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, धन्यवाद मुन्ना LCD LED के साथ जुड़े रहने के लिए।